खेल और खिलाड़ियों को समर्पित सारण की एक ऐसी शख्सियत से इस बार खास मुलाकात में हम आपसे मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने लगभग 40 साल के अपने करियर में खिलाड़ियों के लिए और खेल के प्रति अपने समर्पण को दिखाया है। हम आपसे आज की खास मुलाकात में मुलाकात कराएंगे सुरेश प्रसाद सिंह से, जो खेल प्रशिक्षक हैं सारण के और ना जाने कितने खिलाड़ियों के खेल गुरु। आइए आज आपको मैं दिखाऊं अपने लगभग 40 वर्षों के कमाए हुए धन को। ये जो भी देख रहे हैं यह 1970 से लेकर के आज तक मैंने विभिन्न खेलों में को खेल करके जो पदक प्राप्त किए हैं या जो टेक्निकल ऑफिशियल के रूप में मैंने बिहार या भारत स्तर पर विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को खिलाया है और वहाँ से जो मुझे ये प्राप्त हुए हैं शील्ड, वो आज आपके सामने हैं, जो विभिन्न खेलों के हैं जिसमें कबड्डी है, वेट लिफ्टिंग है, एथलेटिक है, उन स्पर्धाओं का यह है। और जिन टीमों को मैंने तैयार किया है उन टीमों ने जहाँ जिला और राज्य स्तर पर शील्ड और कप को जीता है वो सब आपके सामने है। जब मैं अपने इस रूम में आता हूँ तो मुझे वह बचपन का दिन आता है जब हम लोग गाँव में पेड़ों पर दोलापति खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे, और शहर में आने के बाद जो अन्य खेलों को हम लोग खेल रहे हैं ये हमारा लगभग 40 वर्षों की कमाई हुई संपत्ति है। जब मैं राजपूत स्कूल में 1969 में 9th का विद्यार्थी था तो विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता होती थी, उसमें मैं भाग लिया और वहाँ मैं देखता था कि जगदम्ब कॉलेज के जो खेलकूद के शिक्षक थे श्री बैजनाथ सिंह, बहुत से बच्चे बच्चियों को लेकर के जगदम्ब कॉलेज के मैदान में अभ्यास कराते थे। तो जब मैं फुटबॉल खेलने लगा तो मेरी भी रुचि थोड़ी उसमें बढ़ी, चूँकि मेरे बड़े भाई जो थे वो फुटबॉल खेलते थे तो उनको देखने के बाद लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए और मैं वहाँ खेलने लगा। उसी साल जो विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हुआ उसमें मेरा राजपूत स्कूल से चयन हुआ और मैं जिला स्कूल के बोर्डिंग में विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए जो टीम हमारी राजपूत स्कूल की फुटबॉल की बनी उसमें हम भाग लेने के लिए वहाँ गए और हमारा विद्यालय काफ़ी अच्छा खेला। हाँ, अलग है कि हम फाइनल में हम लोग उच्च विद्यालय अमनौर से हार गए। उसके बाद मेरी रुचि और धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगी और चूँकि मैं उस समय इसी मोहल्ले में जहाँ मैं आज हूँ इसी के करीब 15-20 मीटर पीछे एक मकान था जिसमें किराए के मकान में हम लोग रहते थे और दहियावा काफ़ी फुटबॉल में काफ़ी पॉपुलर नाम था। तो मैं दहियावा की तीसरे टीम से 1970 में दहियावा बॉयज और यंग अलेवन टीम थी, उससे मेरा निबंधन हुआ 1970 में और मैं उस टीम से खेलने लगा। लगभग 1-2 साल तक मैं उस टीम से खेला, फिर धीरे धीरे आगे करके दहियावा बॉयज में गया, दहियावा में गया और इस तरह से हमारी रुचि फुटबॉल में बढ़ती गई और एथलेटिक और फुटबॉल ये दो हमारा प्रिय खेल था जिसको मैं खेलता रहा। हाँ, मुझे भी लगता था या पहले भी हम लोग, हालांकि मेरे घर में इस तरह की बात नहीं थी, मेरे पिताजी पोस्टल यूनियन के प्रेसिडेंट थे, बराबर उनको बाहर रहना पड़ता था, तो मैं और मेरे बड़े भाई और मैं तीन आदमी हम लोग यहाँ रहते थे। 1970 में बड़े भाई जमशेदपुर टेलको ज्वाइन कर लिए तो मैं और पिताजी रह गए, पिताजी बराबर बाहर ही रहते थे। लेकिन मैंने देखा कि मेरे घर में किसी ने कभी यह नहीं कहा कि पढ़ाई पर जोर दिया। पिताजी जब भी आते थे पूछते थे क्या हालचाल है, बस इतना ही। और मैंने देखा अपने जीवन में कि जब भी मैंने उनसे कहा कि मुझे आज यहाँ खेलने जाना है, कल वहाँ खेलने जाना है, उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया, हरदम हमारे पीठ को ठोकते रहे, जिसके चलते हमको और रुचि हुई और हम खेल में आगे बढ़ते रहे। मैं अपने पर कहता हूँ
कि मैं कितना हूँ पढ़ लिख करके, हालांकि मुझे बहुत से मौके मिले, टाटा अप्रेंटिस मिला, बाद बालको अल्मुनिया फैक्ट्री में काम करने का मौका मिला, जेपी मूवमेंट में मैं जेल चला गया, इसलिए यहाँ गंडक प्रोजेक्ट में अकाउंट्स अफसर का जॉब मिला, वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन उन सब जगहों पर काम करने के बाद, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो चंपा में अल्मुनिया फैक्ट्री था वहाँ मैं योगदान वहाँ रहता, तो हो सकता है कि भारत किसी बड़े फैक्ट्री का मालिक होकर के, मालिक यानी मैनेजर होकर के रिटायर करता। लेकिन मुझे संतुष्टि उससे नहीं हुई, मैंने नहीं होती जितना मुझे खेल से। और मैंने देखा है कि मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि विश्व के एथलेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को मुझे खिलाने का मौका मिलेगा, मैंने कभी सपना में नहीं सोचा था। और यह नहीं सोचा था कि जो यूएसए में रहने वाला है, जो यूक्रेन का रहने वाला है, जो किसी दूसरे देशों में रहने वाले खिलाड़ी को मैं उस देश में जाके देखूंगा और देखने के लिए मुझे क्या कठिनाइयां महसूस झेलनी पड़ेगी, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं सोच नहीं सकता। लेकिन मैं वैसे खिलाड़ियों को जो खुद कई बार विश्व में गोल्ड मेडलिस्ट ले चुके थे, सिल्वर मेडल और सारे मेडल को प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने भीसील से उनको दौड़ाया। और यह काम 1995 में दिल्ली में जो ITC इंटरनेशनल वर्ल्ड कप एथलेटिक मीट हुआ, उसमें मैंने यूक्रेन के बुबका, जो अपने 36 बार अपना ही पोल वोल्ट का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जॉनसन, थॉमसन, ये सारे खिलाड़ी को हमको वहाँ दिल्ली में खिलाने का मौका मिला। वही नहीं, पुणे में 96 में जो पुणे में वर्ल्ड लेवल का मीट हुआ, उसमें कार्ल लुईस, जो लगातार कई वर्षों तक 100 मीटर 200 में गोल्ड मेडल लिया, क्रिस्टी जिन्होंने 100 मीटर गर्ल्स में उन्हें मेडल लिया, डिस्कस थ्रोअर, और इस तरह से कम हमको लगता है कि 20 विश्व के गोल्ड मेडलिस्ट को मुझे खिलाने का मौका मिला। यह बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है और मुझे लगता है कि मैं यदि पढ़ाई करके कलेक्टर या SP या और कोई इंजीनियर बन जाता तो मुझे यह उपलब्धि नहीं मिलती। और यही नहीं, भारत का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 20 साल पहले जितने भी भारत में एथलीट हुए हैं या कबड्डी के खिलाड़ी हुए हैं, आज जितने भी प्रो कबड्डी के खिलाड़ी को देख रहे हैं, 10 साल पहले के खिलाड़ियों को आप देखेंगे, सारे लोग मेरे खिलाए हुए खिलाड़ी, मैं कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को खिलाया हूँ। यह बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है जो मुझे पढ़ाई से कभी संभव नहीं था मिलना। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जिस विधा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस विधा में आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खेल भी एक माध्यम है कि उससे हम शोहरत, पैसा, हर चीज़ हासिल कर सकते। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बिहार सरकार ने पुरस्कृत किया है, भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है, और स्वयं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसको जाकर के मेडल पहनाते हैं, ये कम गौरव की बात नहीं। हम अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलने के लिए घंटों उनके यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, और वो मुझसे मिलने के लिए घंटों मेरे यहाँ लाइन में लगे रहते हैं। यह खेल की बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व के लोग, केवल आपके देश के लोग, आपके राज्य के लोग आपका नाम नहीं जानते हैं, पूरे विश्व के लोग। मैं नहीं जानता कार्ल लुईस USA का रहने वाला है, लेकिन विश्व के किसी भी खिलाड़ी से पूछिएगा कि एथलेटिक का गोल्ड मेडलिस्ट कौन था, तो कार्ल लुईस का नाम बोलेगा। लेकिन यह पूछा जाए कि मिस्टर जापान का राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नाम, किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी का नाम पूछा जाए तो बहुत कम लोग बताएंगे। लेकिन किसी खिलाड़ी के बारे में पूछा जाए, और जैसे क्रिकेट है, तेंदुलकर के बारे में पूछा जाए, गावस्कर के बारे में पूछा जाता है, तो वर्ल्ड का बच्चा बच्चा इन लोगों का नाम बताएगा। इसलिए आज पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा महत्व मुझे लगता है कि खेलकूद का है। मेरा घर सारण जिला में ही तरैया प्रखंड में बूढ़ी गंडक से सटा हुआ एक भटगाई ग्राम है, वहीं मेरा जन्म हुआ। मैं अपने परिवार का दूसरा पुत्र, मेरे पिताजी रामजीत प्रसाद सिंह, माँ कृष्णा देवी के घर में द्वितीय पुत्र के रूप में जन्म लिया। मेरे जन्म के कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में, सासामुसा पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किए, और हम लोग आगे छपरा शहर में, जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय पिताजी सासामुसा से छपरा आ गए थे, इसलिए मेरा परिवार यहाँ छपरा शिफ्ट कर गया। तो मेरा बचपन यहीं
कचहरी स्टेशन के पास जो सारण अकेडमी स्कूल है उसके बगल में एक किराए के मकान में हम लोग रहते थे। वहीं हमारी बेसिक, जिस समय कहा जा सकता है कि नंग धरंग होकर के हम लोग विद्यालय जो जाते थे, उस तरह से हम उस विद्यालय में गए। फिर वहाँ से निकलने के बाद राजपूत स्कूल में छठे में मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, राजपूत स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद वहीं बगल में जगदम कॉलेज में 71 में इंटर में एडमिशन लिया। 72 में प्लस टू किया मैंने, उस समय इंटरमीडिएट हुआ करता था। इंटरमीडिएट करने के बाद 1974 में जेपी मूवमेंट जिस समय चला, उस समय मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाला था और हम सभी मित्रों ने यह राय किया कि जेपी मूवमेंट में हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, और मैंने किया भी। पहला पेपर मैंने नहीं दिया, मैं शाम में जब निकला तो पता चला सारे हमारे मित्रों ने परीक्षा दे दी है। मैं दूसरे दिन से उसमें शामिल हुआ और ग्रेजुएशन हमने कर लिया। और जब मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद जमशेदपुर गया तो मेरे बड़े भाई ने हमको मध्य प्रदेश में एक चांपा जगह है जहाँ भारत की सबसे बड़ी अल्मोनिया फैक्ट्री है, वहाँ मुझे भेज दिया अपने मित्र के यहाँ। और उस समय मढ़ावड़ा के ही एक व्यक्ति बाबू साहब वहाँ मैनेजर हुआ करते थे, उसके पता नहीं पिताजी से कैसे उनको जान पहचान थी। मैं वहाँ सुपरवाइज़र के पद पर काम करने लगा, लेकिन जब शाम में मैं निकलता था तो मुझे खेलने की ललक होती थी जो वहाँ मिलता नहीं था। मैं 20 दिन काम करके रातों रात टाटा भाग आया, नौकरी छोड़ करके मैं चुपचाप चला आया। मैं वहाँ आया, बड़े भाई ने कहा कि अरे मैं तो तुमको बहुत पहले ही से इंतजार कर रहा था, इतना दिन तुम कैसे टिक गए वहाँ। मैं जमशेदपुर आया, 5-10 दिन रहा, फिर उसके बाद छपरा आ गए हम। छपरा आने के बाद मेरा खेल चालू हो गया, मैं खेलने लगा यहाँ। उसी क्रम में मेरे पिताजी ने कहा, कोई किसी ने सजेस्ट किया कि अरे आपका बेटा खेलकूद में बहुत अच्छा है, क्यों नहीं उसको आप फिजिकल ट्रेनिंग करा देते हैं। तो पिताजी हमसे पूछे कि फिजिकल ट्रेनिंग कीजिएगा, हम कहे क्यों नहीं करेंगे। तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुजफ्फरपुर में था, वहाँ मैंने आवेदन दिया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं चयनित हो गया। 76-77 मेरा सेशन था, मैं वहाँ एडमिशन लिया, छाता चौक पर डेरा ले लिया, वहीं मैं रहने लगा। पहले तो कुछ दिनों तक पोस्ट ऑफिस में ही रहा मुजफ्फरपुर, फिर बाद में डेरा ले लिया, डेरा में हम शिफ्ट किया और बड़ी ईमानदारी से हम वहाँ प्रशिक्षण लेने लगे। मेरा प्रशिक्षण 76-77 बैच का था, समाप्त हुआ। परीक्षा देने के बाद मैं जब छपरा आया तो तरैया में एक हाई स्कूल था, पिताजी ने कहा कि जाके उसको ज्वाइन तुम करो। मैंने उसको ज्वाइन किया, लेकिन मुझे वो सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। हालांकि घर के अगल बगल में था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पिताजी से कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तब तक मेरा 78 में डीपीएड का रिजल्ट हो गया और 79 फरवरी में मैं मढ़ावड़ा हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। 82 लास्ट में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षक की बहाली निकलती है, उसके वो निकला और उसमें मैंने अपना आवेदन दिया, उसका इंटरव्यू हुआ और बकायदे वो बीपीएससी से होता था। 83 में मेरा उसके द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ। सोनपुर में मेरा शिव दुलारी में सबसे पहली पोस्टिंग थी, लेकिन वहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं श्री अंबिका उच्च विद्यालय आमी में 7-7-83 को ज्वाइन किया। चूँकि खेलकूद में जो मेरी रुचि थी, उस रुचि के अनुसार एक, चूँकि 84 में छपरा में जो 1929 में सारण स्पोर्ट्स एसोसिएशन का गठन हुआ था, उसी के तहत सारे खेलों का आयोजन होता था। लेकिन 1984 में एथलेटिक एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में सब धीरे धीरे जितने खेल संघ थे वो अलग होने लगे, तो सबसे पहले खेल संघ सारण में 84 में एथलेटिक एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका पहला खेल हम लोगों ने जिला स्कूल के बोर्डिंग में कराया और मैं बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। उस समय जो RDD हुआ करते थे, मांझी जी, समापन के दिन मुझे बुलाया उन्होंने
और पूछा कि आपका क्या नाम है, कहाँ काम करते हैं। मैंने बताया कि आर्मी में मैं हूँ। तो कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसे एक शिक्षक को तो शहर में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर आप RTD हैं आप, और उन्होंने मेरा डिप्रेशन राजपूत स्कूल में कर दिया। मैं राजपूत स्कूल में आ गया। उसी समय युवा महोत्सव हुआ, जो युवा महोत्सव हम कराए। फिर बाद में, क्योंकि मेरा मूल विद्यालय राजपूत स्कूल था, फिर उसके बाद 86 में मेरा स्थानांतरण राजपूत स्कूल में हो गया। तो पहले तो मैं डिप्रेशन में था, बाद में स्थानांतरण हो गया। और 86 से लेकर 95 तक मैं राजपूत स्कूल में काम करता रहा, और विशेष सनवड़ी में मैं 2014 तक कार्यरत रहा। यहाँ भी वही हाल रहा, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए जो हमारे राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों के, और यही नहीं, उस समय के आप पेपर को उठा के देखेंगे तो छपड़ा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम, चाहे वो कल्चर प्रोग्राम हो या किसी तरह का सरकारी कार्यक्रम हो, जिसमें हमारे विशेष सनवड़ी के बच्चे ज़रूर भाग लेते थे और वहाँ मैं ज़रूर रहता था। इसके बीच में 1994 में हमारे सीनियर गार्जियन कहिए डॉक्टर HK वर्मा के प्रयास से हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रोटरी क्लब, 1994 में मैंने उसको ज्वाइन किया। बाद धीरे धीरे वो लैडर सिस्टम है, वहाँ मैं आगे बढ़ता रहा। 2001 में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, 2000 में कोषाध्यक्ष बना, 2001 में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, और 2002 में डॉक्टर HK वर्मा अध्यक्ष हुए और मैं रोटरी क्लब छपरा का सेक्रेटरी बना। फिर मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। अगले साल 2003 में वाइस प्रेसिडेंट बना। 2005 में 3250 के कमल सांगवी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुए और मैं प्रेसिडेंट बना। 2005 में मैं प्रेसिडेंट, 2007 में डॉक्टर C. खंडेलवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, तो मुझे उन्होंने असिस्टेंट गवर्नर का पद दिया। फिर 2009 में CM सिंह जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, तो उन्होंने फिर मुझे असिस्टेंट गवर्नर का पद दिया। फिर डॉक्टर LB सिंह, जिन्हें पोलियो मास्टर कहा जाता है, वो जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, तो फिर मुझे तीसरी बार उन्होंने असिस्टेंट गवर्नर का पद दिया, और मैं ईमानदारी से करता रहा। उस समय से लगातार मैं रोटरी क्लब के विभिन्न पदों पर, इन्होंने प्रोफेसर कन्हैया प्रसाद जी जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, तो गया में एक शांति मार्च निकाला गया, जिसका मुझे इंचार्ज बनाया गया, और बोधि मंदिर से लेकर के बोध गया तक वो शांति मार्च, जिसमें विदेश के कई रोटरी प्रतिनिधि उसमें भाग लिए। 90 में मैं जमशेदपुर गया हुआ था, तो एक दिन मैं शाम में बाज़ार में टहलने निकला, तो हल्ला सुना मैंने, तो मैं उधर बढ़ गया, तो मैंने देखा कि कबड्डी वहाँ हो रही है। सीढ़ी नुमा गैलरी था, थोड़ा छोटा सा, उस पर लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे। मैं भी उस पर बैठ गया, खेल देखने लगा। देखा है कि बूढ़े व्यक्ति उस खेल को खिला रहे थे। उसके बाद खेल समाप्त होने के बाद मैंने उनसे मिला, मंगल सिंह उनका नाम था, और उस समय बिहार झारखंड एक था। मैंने उनसे मिला, बातचीत होने लगी, क्योंकि मैं खिलाड़ी था ही, बातचीत होते हुए उन्होंने कहा कि जाओ संयोजक तुमको मैं बनाता हूँ और सारण जिला कबड्डी संघ का निर्माण करो। मैं वहाँ से यहाँ आने के बाद छपरा शहर के खेल प्रेमियों डॉक्टर HK वर्मा, राजा नंदकिशोर प्रसाद श्रीवास्तव और कुछ हमारे मित्र खेलकूद के लोग थे, उनसे मैंने मिला और कहा, तो उन लोगों ने शहर स्वीकार किया और हम लोगों ने सारण जिला कबड्डी संघ का गठन किया। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हमने कबड्डी स्टार्ट किया। और मैं बता दूं कि सारण जिला के सबसे पहली टीम कबड्डी जमशेदपुर में जो खेलने के लिए गई, वर्तमान में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं रमेश जी, वो उस टीम के खिलाड़ी थे। रमेश जी सारण जिला कबड्डी टीम के पहले खिलाड़ी थे इस जिला के, और उन्हीं के यहाँ के अजीत सिंह, सोनपुर के कुछ बच्चे थे, कुछ और छपड़ा के बच्चों को बना करके हमने पहली टीम जमशेदपुर ले गया। और उसके बाद धीरे धीरे, उस समय टेलको की टीम चैंपियन हुआ करती थी, जिन लोगों को सैलरी पर रखा जाता था, केवल उनका काम था खेलना। लेकिन धीरे धीरे सारण कबड्डी एसोसिएशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
30-40 ऐसे टूर्नामेंट हुए, इवन वर्ल्ड कप जो हुआ महिला वर्ल्ड कप 2012 में बिहार सरकार ने जो कराया पटना में, उसमें भी टेक्निकल ऑफिशियल के रूप में मैंने काम किया। और वही नहीं, अपने जीवन में मैंने सबसे पहले फुटबॉल का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था। तो सबसे पहली बार मैंने बिहार फुटबॉल संघ से, जिस समय एजाज हुसैन उसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं बिहार फुटबॉल एसोसिएशन का ऑफिशियल बना। और उसके आधार पर कई मोइनुल हक ट्रॉफी में खिलाने का मौका मुझे मिला। तो जब मैं एथलेटिक में था तो 2001 से लेकर 3 तक मैं सारण जिला का सेक्रेटरी रहा। शुरू के दिनों में 84 से 88 तक डॉक्टर एच के वर्मा सेक्रेटरी और प्रोफेसर वेदानंद सिंह इसके अध्यक्ष हुए, और ब्रजकिशोर बाबू कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में ब्रजकिशोर बाबू का स्थानांतरण हो गया तो सारण जिला एथलेटिक संघ का कोषाध्यक्ष वर्षों तक मैं रहा। फिर 2001 से लेकर 3 तक सारण जिला एथलेटिक एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी रहा, बिहार का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन रहा एथलेटिक का। एथलेटिक छोड़ करके हम कबड्डी में प्रवेश किए। कबड्डी में मैंने स्टेट ऑफिशियल किया, कबड्डी में हमने राष्ट्रीय स्तर की ऑफिशियल पास किया, और फिर कबड्डी में हम घुसे और कबड्डी खिलाने लगे। तो इस तरह से फुटबॉल का ऑफिशियल, एथलेटिक का ऑफिशियल और कबड्डी का ऑफिशियल। तो एथलेटिक धीरे धीरे हम लोगों ने छोड़ दिया, कबड्डी में आज मैं कबड्डी में भी हूँ। बिहार वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव का पद दिसंबर में सिवान में एक स्कूल है उसी में प्रतियोगिता कराई गई, और उसी प्रतियोगिता के अंतर्गत चुनाव हुआ जिसमें अरुण कुमार केसरी को अध्यक्ष और मुझे सचिव बनाया गया। बनने के बाद हम लोगों ने दोनों, चूँकि अरुण कुमार केसरी भी हमारे मित्र थे, एक ही साथ हम लोगों ने मुजफ्फरपुर फिजिकल कॉलेज से ट्रेनिंग लिया था। वो एथलेटिक के जनरल सेक्रेटरी थे, मैं सारा जिला का सेक्रेटरी था या उनके साथ मिलजुल करके काम करते थे। तो हम लोगों का ट्यूनिंग अच्छा रहा। 2015, 2016, 2017 लगातार हम लोगों ने वेटलिफ्टिंग में काम किया, और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि बिहार के 38 जिला में 22 जिला मेरा वेटलिफ्टिंग का विंग हो गया है। आज 22 जिला में वेटलिफ्टिंग हो रहा है। और यही नहीं, दो इस वर्ष पवन कुमार और शंकर, ये दो लड़के हमारे केवल वेटलिफ्टिंग से, किसी भी खेल में एक भी लड़के का सिलेक्शन खेलो इंडिया में नहीं हुआ है, हमारे केवल भारोत्तोलन के दो लड़कों का, शंकर और पवन का, खेलो इंडिया में हुआ है, जो एक जहानाबाद का रहने वाला है, एक गया का रहने वाला है। यही नहीं, भारोत्तोलन में कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसमें छपरा का लड़का शिवशंकर सिंह पहला वेटलिफ्टिंग का लड़का था जो दूसरा सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। बिहार की ग्रामीण की टीम भेजी जाती थी ऑल इंडिया बेसिस पर, किसी भी खेल में कोई पदक नहीं मिला। हमारे छपड़ा का रजनीश कुमार सिंह ने भारोत्तोलन में ग्रामीण में पहला मेडल देकर के दिलवाया था। तो इस तरह से भारोत्तोलन हमारा बढ़ चढ़ करके है दी है। इसके पहले हम क्वालिफाई ही हमारे बच्चे नहीं करते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे क्वालिफाई भी कर रहे हैं और मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। आज जिस तरह से पहले के ज़माने में केवल इंजीनियर, डॉक्टर, यही दो IAS IPS का बोलबाला था, आज हमारे पास करोड़ों ऐसे रास्ते हैं जिनके आधार पर हम पैसा भी कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी कमा सकते हैं। चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, वाद्य यंत्र बजा करके हो, या विभिन्न खेलों को खेल करके हम कर सकते हैं। हम यदि बड़े बड़े कार्यक्रम में जब जाते हैं तो वहाँ हमको देखने को मिलता है कि जहाँ एक कुर्सी पर राष्ट्रपति बैठे हुए हैं उसके बगल में एक खिलाड़ी बैठा हुआ है, जो वो भी मुख्य अतिथि के रूप में उस दिन उसको बुलाया जाता है। तो ये बड़े सम्मान की बात है, और आज हम कह सकते हैं कि फख्र के रूप में हम आज खेल को हम एक अपना रोजी रोटी का जरिया भी बना सकते हैं। मेरा मानना है कि पढ़ाई और खेल दोनों साइकिल के दो पहिए के बराबर हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। एक आप अच्छे खिलाड़ी हैं और किसी दूसरे देश में आपको जाना पड़ता है जहां आपको हिंदी के अलावे कोई दूसरी भाषा में आपको बात करना होगा, और यदि आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो आप वहां शर्मिंदा महसूस करेंगे। इसलिए पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेके चलें, और आप पढ़ाई में आगे बढ़ें या खेल में आगे बढ़ें, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। छपरा टुडे को YouTube पर सब्सक्राइब करें।
हर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।